एक भी गाना अगर पूरी तरह से निशा जी गा दे, कभी आमना सामना कराइए हमसे, मैं एंकर हूँ, ऑर्गेनाइजर हूँ, छोटा सा सिंगर हूँ, मेरे साथ एक पूरा गीत ये गा करके दिखा दे, जो गीत मैं गाता हूँ उसको ये गा दे, या जो ये गीत गाती है मैं गा के दिखा देता हूँ, 5 लाख रुपए का जुर्माना, एकदम ओपन चैलेंज। एक कभी खुले मंच पे है निशा उपाध्याय, फुल गाना जी बिल्कुल, कोई भी पूर्ण गीत आप गाइए मैं गाऊंगा, या मैं गा रहा हूँ आप गा के सुना दीजिए निशा जी, इस जन्म में आपके बस की बात नहीं है। इनका क्या कमाल का है, गाने का तरीका क्या है, ये पहले जान लीजिए। स्टार्ट करती है खेसारी जी के गीत के साथ, अंतरा गा देती है पवन बाबू के गीत को, कल्पना जी के गीत को, और लास्ट लाइन ये गा देती है फिल्मी गाने से, लता जी के गीत, मोहम्मद रफी साहब के गीत, नुसरत फतेह अली खान साहब के गीत। निशा जी के लिए या इन जैसे लोगों के लिए कहूंगा कि आदमी के अंदर आजकल जहर इतना भर गया है कि विषधरों का सारा वंश डर गया है। अगर दुनिया का यही हाल रहा तो आप सबों को सुनने को मिलेगा कि रास्ते में किसी आदमी के काटने से कोई जहरीला सांप मर गया है, और आदमी होंगे निशा उपाध्याय जैसे, और मरने वाले लोग होंगे हम लोगों के साथ, मेरा कोई विवाद नहीं रहा है। देखिए बहुत कलाकार उनको पीछे में बोला करते हैं, खेसारी जी हमको भूल गए, अरे भाई उनकी किस्मत है, अगला आदमी आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, उतना स्ट्रगल कोई करेगा नहीं, उस आदमी ने बचपन से मैंने देखा है बहुत मेहनत किया है, दूसरा कोई होता तो टूट गया होता, लेकिन आज वो ऊंचाई पे इसलिए है खेसारी लाल यादव कि उसको उसके मेहनत के बलबूते पर वो पहचान मिली है। और निशा जी चाह रही है कि तड़ातड़ मैं खेसारी या पवन जी के बराबर हो जाऊं, कहीं से भी लूट करके जेब भर लूं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमारे भी बाल बच्चे, हम लोग भी काम पैसे के लिए करते हैं ना, हम लोग प्राइज भी लुटा रहे होते हैं, लड़कियों के पैसे इनके भाई साहब, मेरे दो अनुज कलाकार हैं, पड़ोसी हैं, भाई की तरह हैं, और वो मंच पे होते हैं, ऐसा लग रहा है कि लड़कियों के टिप्स को उठाने के चक्कर में वो हमारे कलाकारों के साथ मारपीट कर लेंगे इनके भाई जी। अच्छा लड़की में जो छुट्टा फेंका जा रहा है वो भी इनको चाहिए मैडम को, और मेरे पूरे नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं निशा जी, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। इनको एंकर कहे या सिंगर कहे, भोजपुरी के बहुत ही बेस्ट सिंगर है, 25 साल का इनका जीवन काल रहा है सिंगिंग लाइन में, लेकिन अब तक ना ये कोई सोशल मीडिया पे है, ना आप इनको फेसबुक पे देख सकते हैं, ना व्हाट्सएप तक ये नहीं चलाते हैं, ना यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन पहचान हर व्यक्ति के पास है। अगर आप पवन सिंह से पूछिए, भरत शर्मा जी से पूछिए, या खेसारी जी से पूछिए, तो इन्होंने लमसम खेसारी जी का कार्यक्रम, इन्होंने स्टेज प्रोग्राम लमसम 500+ कराया है इन्होंने। तो हम चलिए इनसे बात करते हैं, एक मामला चल रहा है इनका और निशा उपाध्याय के बीच, जो कि भोजपुरी के एक फीमेल सिंगर है, उनसे इनकी कुछ विवादें हो गई है, विवाद क्या हुआ है हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बात आपकी न्यूज चैनल के दीपक सिंह जी और आपके तमाम सहयोगियों का, और जो भी हमारे इस बात को सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सभी भोजपुरी संगीत के दर्शक देश विदेश में, हमारे सभी चाहने वाले। मैं आपको बता दूं, होता यह है कि 10 फरवरी को एक कार्यक्रम मैंने ऑर्गेनाइज किया है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आपके बगल में मेरे एक मित्र बैठे हैं दिहुआ दुवली बैकुंठपुर जिला गोपालगंज से है, रजनीश जी, ये मेरे भाई के जैसे हैं। उसमें पहले नाम आता है गोलू राजा का, हमने उनसे संपर्क किया तो गोलू राजा ने कहा भैया मेरा कार्यक्रम खाली नहीं है, आप कोई दूसरा कलाकार ले लीजिए। फिर हम कॉल करते हैं अनुपमा जी को, अनुपमा यादव को, उनका डिमांड कुछ ऐसा है कि मेरे बजट में वो नहीं आ पाती है, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। फिर बात आती है निशा उपाध्याय जी की, तो रजनीश जी से चूंकि उनकी बातचीत बनती है, तो हमने कहा रजनीश भाई आप बात कीजिए निशा जी से, दुर्गापुर में वो कार्यक्रम 10 फरवरी को कर देंगी, 6 बजे से 10-11 बजे रात तक का शो है, बाकी अरेंजमेंट मैंने सब कर लिया है, म्यूजिशियन डांसर एंकरिंग चूंकि मुझे ही करना होता है। कार्यक्रम 3 दिनों तक उनसे बात चलती है, और उनका प्रोग्राम चूंकि वो बोलती है कि पटना से मुझे दुर्गापुर जाने में 8-10 हजार का डीजल भी लग जाएगा, तो रजनीश भाई आप थोड़ा सा पेमेंट देख लीजिए, 40 हजार उनका पेमेंट, 8 हजार डीजल का, 48 हजार होता है। तो हमने कहा रजनीश भाई आप उनको 50 बोल दीजिए, 50 हजार उनको दे दिया जाएगा। 6 जनवरी को उनके अकाउंट में 10 हजार का ट्रांसफर कर दिया जाता है। 5 फरवरी को मुझे कहीं से खबर मिलती है लगभग 1 महीने बाद कि निशा जी का कार्यक्रम 9 फरवरी को आजमगढ़ में है। थोड़ा सा हम हैरानी में पड़ते हैं, लेकिन आजकल कहीं भी जाना संभव है क्योंकि आज यहाँ दिल्ली और कल लोग दुबई में भी कार्यक्रम कर लेते हैं। फिर भी हमने रजनीश भाई को कहा कि आप जरा सा निशा जी से बात कर लीजिए, 9 फरवरी को अगर उनका कार्यक्रम है आजमगढ़ में तो 10 को कैसे पहुंचेंगी 5 बजे शाम तक 6 बजे तक, चूंकि 1-2 घंटा पहले जाना होगा, और हम लोग जहानाबाद में है 9 तारीख को,
जहानाबाद से हम लोग अपना शो करके दुर्गापुर में हम लोगों को जाना है। जब ये बात करते हैं तो निशा जी अब कहना प्रारंभ करती हैं कि नहीं रजनीश भैया, आप मुझे प्रोग्राम के लिए मशरख के लिए बोले हैं। फिर रजनीश जी बोलते हैं कि आप मशरख में दुर्गापुर कहाँ खोज रही हैं? तो वो बोल रही नहीं, मशरख में दुर्गापुर है। मैं निशा जी से बोल रहा हूँ कि मशरख प्रखंड में अगर दुर्गापुर नाम का एक भी गाँव होगा तो आपका 100% सही है और हमारा 100% गलत। लेकिन अब वो किसी का फोन उठाना भी बंद कर देती है, पैसा एडवांस रिटर्न करने के बाद भी। उसके बाद में कई लोगों से हमने फोन कराया है, उनके पास किसी का भी फोन नहीं उठा पा रही है। जो भी इस प्रकरण में उनसे बात करता है कि 10 फरवरी को आपको दुर्गापुर का काम करना है, प्रोग्राम करना है, उसके बाद उस आदमी का फोन उठाना वो बंद कर देती है। अगर किसी का उठाती भी है तो अब वो अपना डिमांड रख देती है सीधे 48,000-50,000 से 120,000-120,000 जी। ये देखिए किसी के मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न और किसी के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ किस तरह का खिलवाड़ है किसी कलाकार का। और वो भी 120,000 आप पहले दे दीजिए। और मेरा मैं आपको दीपक जी बता दूं कि मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम चूंकि बहुत नियरेस्ट लोग हैं तो 120,000 का ही है, वहां से मुझे 10,000 ही मिला है। अब मेरी सांसें फूलने लगती है, मैं पार्टी को कैसे बोलूं कि निशा जी आगे पीछे कर रही है? पार्टी को बोलूंगा 100 बातें सुननी पड़ेगी। अब उनको रिक्वेस्ट कराना मैंने प्रारंभ कर दिया है और वो किसी की सुनती नहीं है। मरता क्या नहीं करता कि तर्ज पर अब वो जो बोल रही है मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है कि भाई आप ले चलिए इनको गाना तो गवाइए कम से कम 70,000-60,000-80,000-90,000-120,000 हम लोग जो बोले चलिए सब आपको दिया जाए, सब डन। फिलहाल तो मुझे काम तो करना है ना आपसे। वो चली जाती है समय से होटल में। 6 बजे के बाद जब कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है तो मंच से उद्घोषणा हो रही है, उसकी भी वीडियो है, लगभग 100 बार इनके नाम की उद्घोषणा हो रही है। और ये मेरे ड्राइवर, मेरे बहुत कनिष्ठ लोग जो हैं वहां पर होटल में इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निशा जी आप प्रोग्राम कर दीजिए, आपको अगर कुछ लॉस हो रहा है तो पैसा रुपया हम ये करके दे देंगे, चले भैया को नुकसान होगा होगा वो अपना बर्दाश्त करेंगे। और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं आपको बता दूं अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो लोग मार के लाशें बिछा देते। वो हम लोगों की अपनी एक पहचान है इस क्षेत्र में कि सही सलामत मैं बच गया हूं। ये सब करने के बाद 50,000 टोटल मेरे बच्चों ने दूसरों से कर्जा लेकर इनके अकाउंट पे पैसा भेजा है उसी दिन। सब स्क्रीनशॉट है, आप सब देख लेंगे, बिल्कुल हम डाल भी देंगे। और मैं आपको बता दूं कि 50 इनका पेमेंट हो जाता है। उसके बाद मेरे एक बहुत ही आदरणीय है छपरा से अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी को ये ब्लैकमेल करती है फोन करके, अरविंद सिंह जी आपके कहने पर मैं आई हूँ, पैसा ये नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा। अरविंद सिंह जी 20,000 रुपए मांग रही हैं। उसके बाद 20,000 रुपए मुझसे वहां पर स्टेज पर चढ़ने से पहले होटल से जाकर के कैश ले लेती हैं। कार्यक्रम चालू है 6 बजे और ये मंच पे जाती हैं 9:30 बजे। गाना इनका क्या कमाल का है, गाने का तरीका क्या है ये पहले जान लीजिए। स्टार्ट करती हैं खेसारी जी के गीत के साथ, अंतरा गा देती हैं पवन बाबू के गीत को, कल्पना जी के गीत को, और लास्ट लाइन ये गा देती हैं फिल्मी गाने से, लता जी के गीत, मोहम्मद रफी साहब के गीत, नुसरत फतेह अली खान साहब के गीत, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। मुझे नहीं लगता है कि निशा जी के बस की बात है इन तरह के गीतों को गा लेना। आप उस प्रोग्राम की वीडियो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अपने कलाकारों से उसको रिकॉर्ड करवाया है। तो प्रोग्राम की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि निशा जी के 4 गाने मैंने स्वयं गाए हैं, निशा जी के ड्यूट गीत 4 गाने मुझे गाने पड़े हैं जब ये टूट जा रही है। उससे भी मन नहीं भरता, इनके एक भाई साहब इनके साथ कार्यक्रम में जाते हैं, लड़कियां, क्योंकि हम लोग सबको एक निगाह से देखा करते हैं, चाहे वो गायक हो, गायिका हो, म्यूजिशियन हो, नृत्यांगना हो, सब सरस्वती पुत्र सरस्वती पुत्रियां हैं, ऐसी हमारी सोच रही है, हमारी अवधारणा या हमारी भावना रही है। तो लड़कियों के ऊपर जो लोग टिप्स लुटा रहे होते हैं, काफी मात्रा में लोग प्राइज भी लुटा रहे होते हैं, लड़कियों के पैसे इनके भाई साहब, मेरे 2 अनुज कलाकार हैं, पड़ोसी हैं, भाई की तरह हैं, और वो मंच पे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि लड़कियों के टिप्स को उठाने के चक्कर में वो हमारे कलाकारों के साथ मारपीट कर लेंगे इनके भाई जी। अच्छा, लड़कियों में जो छुट्टा फेंका जा रहा है वो भी इनको चाहिए मैडम को, और मेरे पूरे प्रोग्राम का पैसा इनको चाहिए। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी कि अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है, 8 गाने इन्होंने 1.5 घंटे में गाए हैं, 8 गीतों में 80 गीतों को इनको इन्होंने शामिल किया होगा, 80 गीतों को, 8 गाने में 80 गीतों की, मतलब एक एक कड़ी, एक भी गाना अगर पूरी तरह से निशा जी गा दें, कभी आमना सामना कराइए हमसे, मैं एंकर हूं, ऑर्गेनाइजर हूं, छोटा सा सिंगर हूं, मेरे साथ एक पूरा गीत ये गा करके दिखा दे, जो गीत मैं गाता हूं उसको ये गा दे, या जो ये गीत गाती है मैं गा के दिखा देता हूं, 5 लाख रुपए का जुर्माना, एकदम ओपन चैलेंज।
एक कभी खुले मंच पे है निशा उपाध्याय कुल गाने गा। जी बिल्कुल, कोई भी पूर्ण गीत आप गाइए मैं गाऊंगा या मैं गा रहा हूँ आप गा के सुना दीजिए निशा जी, इस जन्म में आपके बस की बात नहीं है। वो गोलू राजा ऐसे सिंगर है, गोलू बहुत अच्छे कलाकार है, मैं फोन करता हूँ, मेरा प्रोग्राम करते हैं, कभी भी नहीं कहते मुझे इतना पैसा चाहिए, उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाता है, और कभी ये नहीं कहते गोलू की पूरा पैसा सोनू भैया मुझे भेजिए। वो तो गोलू जी खाली नहीं थे, इसके एवज में आपको जाना पड़ा है, अन्यथा आपको कभी मैं मेरे जैसा कलाकार अपने मंच पे नहीं। गोलू जी से भी इनका विवाद हुआ था पैसे को लेकर, ये बहुत सारी चीजें हैं, और इनको जब लगा है पहले 10 फरवरी को मैं कहीं बुक हूं नहीं, ले लो भाई 50,000 में काम कर लो, जब इनको लगा कि आजमगढ़ में हो जाएगा दुर्गापुर में हो जाएगा, तब इन्होंने अब जो यहां से प्रताड़ित करना प्रारंभ किया है, 15 दिन मुझे हो गए हैं, मैं इतना टॉर्चर हुआ हूं निशा उपाध्याय जी के माध्यम से, मैंने FIR दर्ज कराई है गोपालगंज कोर्ट में, FIR भी कर, मानसिक तनाव आर्थिक तनाव, चूंकि प्रोग्राम करने के बाद भी आप 1.5 घंटा गाएंगी, आपके नाम का 1,20,000 का कार्यक्रम है, म्यूजिशियन बिना पैसे के वहां से लौटे हैं, और मैं रोया नहीं हूं, मेरा सारा काम हो गया है, और 24 घंटा मुझे अपने कलाकारों के साथ वहां पर ठहरना पड़ा है, कि मेरे स्कॉर्पियो गाड़ी में डीजल का पैसा नहीं था, मैंने घर से पैसा मंगवाया है, और कैसे कैसे भी खाने के पैसे की व्यवस्था के साथ मैं वहां से आया हुआ हूं, और मुझे 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है। मैं कार्यक्रम का आयोजक का नंबर आपको दूंगा, आप पूछ लेंगे कि वो पैसा उन्होंने पेमेंट क्यों नहीं किया है, और वो क्यों करेंगे पेमेंट जब निशा उपाध्याय जी के नाम का कार्यक्रम है, निशा जी अपना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई है, पूरा परफॉर्म नहीं कर पाई है, आप 1.5 घंटे के लिए आप कौन हो गई, आप कल्पना नहीं हो गई है, बिल्कुल मैं रोकना भी चाहूंगा, ये अक्सर होता है भोजपुरी में कि एक लाइन इसमें से गाएगा लो, एक लाइन उसमें से गाएगा, उसमें सबसे मेन कोई है तो ये आपका निशा उपाध्याय जी है। नहीं नहीं एक बात ये गाती है, शुरुआत क्या करेंगे लगाई हाँ वाला गाना खेसारी जी के गीत के साथ, अंतरा गाएंगी पवन जी के गाने के साथ, और बाद में लता जी का गीत भी स्टार्ट कर देती है, किशोर कुमार जी का, मोहम्मद रफी साहब का, मेल फीमेल गाने का पता ही नहीं है आपको, एक भी अपना प्रोडक्ट नहीं आपका जो बाजार में। अनुपमा जी वो भी पूरा नहीं गाती है, अनुपमा जी से हमने बात की थी, वो हमारे बजट में नहीं आई, हम कहां उनको दोषी ठहरा रहे हैं, गोलू जी खाली नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं भैया। अच्छा खेसारी जी के साथ आप कार्यक्रम किए हैं, हमने खेसारी जी के साथ लगभग 500 शो किए हैं, जिसमें 50 या 100 प्रोग्राम मैंने खुद ऑर्गेनाइज किए हैं, कभी भी खेसारी जी के साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहा है। देखिए बहुत कलाकार उनको पीछे में बोला करते हैं खेसारी जी हमको भूल गए, अरे भाई उनकी किस्मत है, अगला आदमी आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, उतना स्ट्रगल कोई करेगा नहीं, उस आदमी ने बचपन से मैंने देखा है बहुत मेहनत किया है, दूसरा कोई होता तो टूट गया होता, लेकिन आज वो ऊंचाई पे इसलिए है खेसारी लाल यादव कि उसको उसके मेहनत के बलबूते पर वो पहचान मिली है। और निशा जी चाह रही हैं कि तड़ातड़ मैं खेसारी या पवन जी के बराबर हो जाऊं, कहीं से भी लूट करके जेब भर लूं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमारे भी बाल बच्चे, हम लोग भी काम पैसे के लिए करते हैं ना, कि हम लोग घर से फंसाने के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। तो निशा जी ने जो मानसिक उत्पीड़न, जो आर्थिक उत्पीड़न और जो प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, गोपालगंज जिला प्रशासन से जरूरत पड़ेगी, मैं बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के पास जाऊंगा, तेजस्वी जी के पास जाऊंगा, बड़े से बड़े दिग्गजों के पास जाऊंगा, बड़े से बड़े पुलिस अधिकारियों के पास जाऊंगा, लेकिन मैं निशा उपाध्याय को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने। लेकिन इन सबके अलावा एक और लोग हैं जो लोग आप लोग को सुनना पसंद करते हैं, दर्शक जी। अभी आपने एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था शायद आमिर खान का, कौन फिल्म था, लाल सिंह चड्ढा, भाई काट किया आमिर का क्या हाल हो गया, तो हो सकता है अगर इस तरह ये करेंगे तो इनको भी लोग बायकॉट करेंगे। दर्शक तो भगवान होते हैं ना, उनके चरणों की धूल हम लोग अपने माथे से लगाते हैं, जरूरत पड़ेगी किसी दर्शक का जूता अपने सर पे लेके घूमेंगे, लेकिन निशा उपाध्याय जी जिस ईगो में है, जिस एटीट्यूड में है, मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, हम लोगों ने हमेशा सर झुका के काम किया है और सर झुकाकर अपने दर्शकों के बीच काम करेंगे, लेकिन निशा उपाध्याय जी जैसी गायिका अगर चाहेंगे कि हम लोगों के सर को कुचल दें या झुकाने का प्रयास करें तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि निशा जी को पता होना चाहिए, उन्होंने सोशल मीडिया के कलाकारों से अपने आप को प्रभावित किया है। मैं निशा उपाध्याय जी को एक मैसेज दे रहा हूं, निशा जी को खुले चैलेंज के रूप में, निशा जी मैं एक ब्रांड हूं भोजपुरी का, मैं एक ब्रांड हूं और मैं ब्रांड रहूंगा, ये आपके बस की बात नहीं है कि आप मुझे विचलित कर दीजिएगा, लेकिन ये जो उत्पीड़न आपने दिया है 1,10,000 रुपए का, मैंने आवेदन दिया है जिला गोपालगंज में, 1,10,000 रुपए जो मेरे पेमेंट का बाकी रह गया है, बाकी 70,000 जो आपने मुझसे लिया है, 1,80,000, और उसके बाद आप मीडिया के सामने आए या मेरे सामने आए, मुझसे माफी मांगे या दर्शकों से माफी मांगे कि जिस तरह का बिहेव आपने उस कार्यक्रम को लेकर के मेरे साथ किया है वो बिल्कुल ही गलत है, वैसा आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा जिसके लिए आप जाने जाते हैं उस अंदाज में क्या कहिएगा निशा जी को? निशा जी को क्या कहें,
कि बीज नफरतों के दुनिया में कभी बोने नहीं दूंगा, बीज नफरतों के दुनिया में कभी बोने नहीं दूंगा, मैं अपने मुल्क की मुस्कान को कभी खोने नहीं दूंगा, तुझे लड़ना है तो बंदूक लेके जाओ सरहद पे, मेरा वादा है मैं किसी भी शख्स को अब रोने नहीं दूंगा। वाह, तो निशा जी को आपने सुना कि निशा जी किस तरह के कलाकार हैं, और भोजपुरी में एक अलग ट्रेंड चल गया है कि विवाद में रहिए, झगड़ा कीजिए, हो सकता है उसके वजह से भी आपको परेशान किया जा रहा हो, या हो सकता है कि उनके मन में ऐसी कोई चिंता हो, चूंकि उनको तो बहुत पहले से मैं जान रहा हूँ। वो एक बार महेश परदेसी जी के साथ खेसारी जी के प्रोग्राम में आई थी, तब वो बहुत छोटी थी, उम्र में भी हमसे बहुत छोटी ही होंगी, और शायद वो भूल गई होंगी, मैं नहीं भूलता हूँ, मैं एक बार जिनका चेहरा देख लेता हूँ, मुझे व्हाट्सएप फेसबुक पे जाने की जरूरत नहीं, वो चेहरा मैं भूलता नहीं हूँ। और सम्मान तो है सभी भोजपुरी के कलाकारों का, लेकिन जिस तरह का बिहेव निशा जी ने मेरे साथ किया है वो अमानवीय व्यवहार है, किसी की प्रतिष्ठा, उसके परिवार, उसके बाल बच्चों के साथ, दूसरा कोई कलाकार होगा सुसाइड करके मर जाएगा। और आने वाले समय में एक और बात दीपक बाबू आपको बता दूं, अगर मेरे साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सुश्री निशा उपाध्याय जी होंगी। निशा उपाध्याय के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, आप भी जैसे आपने ही बात किया था, तो मशरक में दुर्गापुर कहाँ है? हम से बात हुआ तो उनसे दुर्गापुर के लिए, मशरक में कोई चर्चा नहीं हुआ मशरक के कार्यक्रम करना है? हाँ, मैंने चैटिंग भी देखा और डाल भी दूंगा, ऑन स्क्रीन डाल भी दूंगा। क्या बात हुई थी आपसे? हमसे बात हुई 10 फरवरी को कार्यक्रम करना है दुर्गापुर में। दुर्गापुर का डिमांड बढ़ने क्यों लगा? एक भाई को हमसे फोन कीजिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे, आपको बोले हैं मशरक में करने के लिए, तो हम बोले ही नहीं मशरक में। फोन उन्होंने नहीं किया था, इन्होंने किया। अगर अगर वो नहीं गई होती, चाहे आप लोगों ने बहुत सारा मतलब, अंत में क्या होता है, जैसे भैया ने बताया कि मरता क्या नहीं करता, तो ऐसे आप लोगों ने एक्सेप्ट करते कि अगर नहीं गई होती तब तो जूता चप्पल खाना होता एकदम? किस कंडीशन होता, किस कंडीशन में आए आप लोग वहाँ से? हम तो नहीं गए थे, सोनू भाई गए थे वहाँ। आपकी टीम गई थी जी। क्या कहना चाहिएगा निशा जी से? निशा जी यही कहना चाहिए कि फिर ऐसा दोबारा गलती मत कीजिएगा। केवल निशा के लिए नहीं ये मैसेज है, मैसेज उन तमाम दिग्गज कलाकारों और छोटे मोटे कलाकारों के लिए है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन से बात हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन पैसा ले लिया है, जो ऑर्गेनाइज करता है वो भी पैसा अगर ले लिया है, अगर आप बीच में इस तरह का गोल मटोल करिएगा तो भाई सामने वाला फंस जाएगा और आपका इमेज खराब हो जाएगा। इमेज जब दर्शक यहाँ चढ़ाती है, जब दर्शक लात मारेगी तो लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान फ्लॉप हो गए तो आप किस खेत की मुरली है, यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। सब लोग अपना राय बताइएगा, अंत में एक छोटा सा शहर के साथ खत्म करेंगे इस लाइन को। क्या बोलेंगे, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। निशा जी के लिए कहूंगा, लोगों ने जो सर पे आपको बिठाया है बड़ी अच्छी बात है, आप भी तरक्की करें, लेकिन इस तरह का बिहेव करके आप, मुझे लगता है कि शायद एकाएक दर्शकों की नजर से गिर जाएंगे, और जिस दिन दर्शकों की नजर से गिरेंगी उस दिन आप कहीं का नहीं रह जाएंगी। इसलिए आपको एक परामर्श है, सलाह है, क्योंकि आपके नजर में हम लोग कुछ भी हो लेकिन श्रेष्ठों का सम्मान करना चाहिए, हम लोग हमेशा करते हैं। मैं आपसे सीनियर हूं, आपको सम्मान करना चाहिए। आपके जो उस्ताद हैं, महेश जी से पूछिएगा, एंगल म्यूजिक रमेश जी से पूछिएगा, खेसारी जी से पूछिएगा, कल्पना जी से पूछिएगा, भरत शर्मा जी से पूछिएगा, गोलू हम लोगों के छोटे भाई के जैसे हैं, उनसे पूछिएगा कि हम लोग किस तरह मंच पर उनके साथ पेश आते हैं। यही कहूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं निशा जी, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और एक बात कहूंगा, दिल अंदर से इतना आहत हुआ है निशा जी के लिए या इन जैसे लोगों के लिए कहूंगा कि आदमी के अंदर आजकल जहर इतना भर गया है कि विषधरों का सारा वंश डर गया है। अगर दुनिया का यही हाल रहा तो आप सबों को सुनने को मिलेगा कि रास्ते में किसी आदमी के काटने से कोई जहरीला सांप मर गया है, और आदमी होंगे निशा उपाध्याय जैसे और मरने वाले लोग होंगे हम लोगों जैसे। देखिए, अच्छा बनने में बहुत समय लगता है और अच्छा खत्म होने में भी बहुत समय लगता है, और बुरा का तो सर्टिफिकेट यूं करिए और यूं पा लीजिए। जय हिंद।